अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को कैनवा पर किस तरह थंबनेल बनाते हैं और किस तरह पिक्चर की एडिटिंग करते हैं वो आप लोगों को बताऊंगा। इस तरह पिक्चर ऐड किया जाता है और किस तरह इसकी बेसमेंट और प्रोसीजर को तैयार किया जाता है। ये सारे इसका कलर मैं एक चूज़ कर लेता हूँ, फिर इसकी हेडिंग शेडिंग जो होती है वो किस तरह दी जाती है, किस तरह इसका सारा वे है वो किस तरह हल किया जाता है। ये सामने आप लोगों के लिए एक पिक्चर उठा रहा हूँ और इसकी एडिशन करूँगा और ये उसकी बेहतरीन एडिशन हो जाएगी। कलर मैनेजमेंट भी होती है इसमें, डुप्लीकेट किया जाता है पिक्चर को, रिप्लेस भी किया जाता है, एवरी ऑप्शन होता है इसमें। ये सामने आप लोगों को दिखाया जा रहा है। अगर कोई चीज़ समझ ना आए तो फिर कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। दूसरा ये कि इसमें पिक्चर फटती नहीं है, ब्लर नहीं होती। इसमें हम अपने पिक्चर को लॉक कर सकते हैं, कमेंट्स इसमें दे सकते हैं, जो कुछ लिखना वो भी दे सकते हैं, एनिमेट कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन इसमें दिए जाते हैं। फिर इसको यहीं से अपलोड कर सकते हैं। कैनवा पर नेट ऑन होना चाहिए पहली बात। ये तमाम प्रोसीजर करके फिर फ़ोटो की एडिशन की जाती है। इसमें डॉक्यूमेंट्स, गैलरी, अपलोड, एवरीथिंग ऑप्शन होते हैं। टेक्स्ट का भी ऑप्शन होता है, टेम्पलेट्स का ऑप्शन दिया जाता है, एलिमेंट्स का ऑप्शन दिया जाता है। और मैं इसमें से एक पिक्चर उठा रहा हूँ VIP, जो आप लोगों के सामने इसकी डायमेंशन और इसकी एडिशन करूँगा और इसको किस तरह जूम आउट और जूम इन किया जाता है वो भी दिखाऊँगा आप लोगों के सामने। इसकी जो राइट किया गया इस पर वो आपको कैंसिल करके दिखाऊँगा। इसकी एडिशन बहुत ही सिंपल। ये कलर मैनेजमेंट के हवाले से इसमें एडिशन बहुत ही VIP और सिंपल होती है। इसमें कॉपी पेस्ट का ऑप्शन दिया जाता है, सेंड वर्क का ऑप्शन दिया जाता है और इसको जो हेडिंग है या इसमें जो लिखा होता है उसको ख़त्म भी कर सकते हैं। कट का ऑप्शन भी होता है, कॉपी पेस्ट का, सिलेक्ट ऑल का, एवरी ऑप्शन इसमें दिया जाता है। इसमें जो अब क्रॉप कर सकते हैं वीडियो को और फ़ोटो को। इस सारा प्रोसीजर करके आप फ़ोटो को जूम आउट और जूम इन कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। इसमें एडिट करके आप फ़ोटो को सेव कर सकते हैं। ये देखें, आप लोगों के सामने दिखाया जा रहा है। इसमें इफ़ेक्ट्स हैं, ब्लर का ऑप्शन दिया जाता है, पिक्स, फिल्मी एजिया, जो भी आप रंग देना चाहें इसमें दे सकते हैं। ये बहुत सारे कलर आपको सामने दिखाया जा रहा है, ये देखें। मतलब ये कि इसमें हर तरह का ऑप्शन होता है, कोई ये नहीं कि इंसान इसमें जो चूज़ करना चाहे वो इंसान को ना मिले। एवरीथिंग इसमें ऑप्शन दिया जाता है, फिल्टर कर सकते हैं, इसके इंटेंसिटी को कम और ज़्यादा कर सकते हैं, जो इंसान मर्ज़ी के मुताबिक बनाए वो बना सकते हैं। इसमें फिल्ट्रेशन के बाद फिर हम इसकी एडजस्टमेंट करते हैं कलर के हवाले से कि कंट्रास्ट कितनी होनी चाहिए, इसकी सैचुरेशन, ब्राइटनेस, टेंट, ब्लर ऑप्शन सब कुछ करके फिर फ़ोटो को सेव कर सकते हैं। इसी तरह इसकी तमाम जो कलर मैनेजमेंट होती है वो करके फ़ोटो को सेव कर लेते हैं और जब फ़ोटो सेव हो जाता है फिर उसको अपलोड कर सकते हैं हम अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम और YouTube के हवाले से हम इसको थंबनेल बना सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी चैनल को कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।